हेलो गाइस, स्वागत है आपका इशू सिंह ब्लॉग में। और मैं इशू आपके लिए लेके आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो। सो ये वीडियो 15 अगस्त के ऊपर है। और आज जैसे कि 15 अगस्त है, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे, सो आज के दिन आपको पता ही है क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम भी आज पतंग उड़ाएंगे। जैसे कि मैं ये देख सकते, ये सारी पतंग लेके आ चुका हूँ। और ये देख सकते हैं, देखा ही होगा आपने रात के टाइम जो आसमान में उड़ता है, ये वो है बैलून। तो ये लेके आ चुका हूँ और ये फ्रूटी ले आ चुका हूँ। और जैसे कि मंजू का ये दांत निकलवाया था, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा बोल नहीं सकती है, तो वो फ्रूटी पिएगी। थोड़ा बहुत बोलती है लेकिन मानते तो है नहीं लड़कियाँ, तुम्हें भी पता ही है गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज हम सारे के सारे छत पे आ गए हैं। देखो जैसे सुचिता आ गई है, चरकरी पकड़ा दिए मैंने इसको, पतंग मैंने हाथ में ले ली, कंधे बांध रखे हैं। और देखो लव्यांश भी छत पे आ गया है। लव्यांश बड़ा खुश हो रहा था छत पे आके। देखो बेटा, अब चलो पतंग उड़ाते हैं। तो गाइज ये देखिए हमारी पतंग एकदम सुन, ये रही हमारी पतंग। ये जो येलो कलर का दिख रहा है, रात हो चुकी है और इनकी पतंग अभी तक उड़ रही है। वो दिख रही है आप लोगों को, वो एक ही, बाकी तो बहुत दूर दूर है तो वो नहीं दिख रही, ये नज़दीक ही दिख रही है बस। ये बस, और कब तक उड़ानी है? तो गाइस रात हो गई, पतंग अभी भी है जो अभी लास्ट ही उड़ा रहे हैं। लो पकड़ो, मैं दिखाता हूँ। एक मिनट, क्या है? मैंने दिखा दिया है, ये देखिए हिमाचल दिख रहा है, वो दिख रही होगी शायद पतंग आपको। ये बलून जलाने की तैयारी हो रही है, रात हो चुकी है और आप लोग को दिख रही होगी शायद वो दूर, वो उधर की साइड जल रही है। ए, वो देख रही, नहीं दिख रहा है, वो जल रही है, दो तीन जल चुके हैं। कितना टाइम लगेगा, जल्दी कीजिए ना, इतना टाइम कहीं लगता है क्या? अब देखिए, इसमें छेद ही नहीं होगा। वो क्या करा आपने? ओए, ओए लड्डू, ओए लड्डू। ये रहा लव्यांश, सो के जग चुका है, ये छत पे ही सो गया था गोदी में। हाय, ऐसे पकड़ना पड़ेगा तब चलेगा। लाइए मैं, हाँ पकड़ना पड़ता है। इसका टी शर्ट तो नीचे कर दे। Thank you.
ये बैलून हम जला रहे हैं, ये अभी तक नीचे ही है, इसके अंदर गैस भर नहीं रही है और ये ऊपर जा ही नहीं रहा है। लगता है ये कल तक पहुंच जाएगा ऊपर। जैसे हमने ऊपर छोड़ा नहीं जा रहा ये, हवा लग रही है ना। पिछली बार भी ऐसे ही जल गया था, ये जा नहीं पाया था। नहीं ये अभी लेके आए हैं, हम इसको पकड़ना इधर से फ्राई करते हैं। ये ये अभी तो जला ही नहीं है पूरा, वो गैस नहीं बन पा रही। ये तो अभी शुरू ही हुआ है जलना, पूरा अच्छे से जला भी नहीं है। तब उड़ेगा, लेकिन इसमें ना आपका वो आज का वो ना मात्रा कम दिख रहा है, इसलिए अंदर तक वो भी हवा दे रहा है। ये जोर से नीचे ही चले जाएगा किसी घर में। गाइस पूरे दिन पतंग वतंग उड़ा के पूरी मस्ती करके अब जाके मैंने नहा धो के तैयार हो गया हूँ। पाउडर वाउडर लगा लिया है, ठंडा कूल। सो अब लग रही है भूख, और मैं ले आया था मंचूरियन, और मंजू से मैंने बोला था कि फ्राइड राइस बनाने के लिए, तो वो फ्राइड राइस बना रही है। और अभी देखिए घर कितना मैसी हो रखा है पूरा, ये कपड़े ऊपर से सूख रहे थे वो उतार के लेके आए थे। और यहाँ पे लव्यांश झूले में सो रहा है, मैं दिखाता हूँ। देखिए लव्यांश सो रहा है, गोल्डी भी सो रही है यहाँ पे। सो मंजू किचन में है, सुचिता किचन में है। मैं ज़्यादा ज़ोर से इसलिए नहीं बोल रहा ताकि लव्यांश उठ ना जाए। तो चलिए किचन में देखते हैं क्या हो रहा है अभी। अभी यहाँ पे फ्राइड राइस बन रहे हैं, और जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है, मैं मंचूरियन ले आया था, और ये राइस रखे हैं यहाँ पे, ये नींबू है, ये चक्कू, ये बेलन, ये रोटी बन रही है गोल्डी के लिए, और ये प्याज छिलके के डले छिलके हैं यहाँ पे। मंचूरियन की चम्मच थी, आटा है, आटा लगा हुआ है, और ये चम्मच खड़काने की आवाज़ थी बर्तनों की। तो गाइस अभी मंचूरियन मैं ले आया था, और अभी बन रहे फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बनेगी भी, उसके बाद हम खाएंगे। तो मंजू ज़्यादा बोल नहीं रही है क्योंकि उसका दांत निकाला हुआ है, तो उसकी वीडियो देखिए आप। तो गाइस फ्राइड राइस और मंचूरियन आ चुके हैं, मंजू भी आ चुकी है, और गोल्डी अभी गोल्डी का खाना चल रहा है, रोटी दही के साथ खा रही है। पता नहीं क्या हो गया इसके ड्रामे, ये खाती नहीं है प्लेट में हम दे तो, ये हाथ से खाना चाहती है हमेशा। तो अभी ये फ्राइड राइस और मंचूरियन भी आ गए, देख सकते हैं मंजू ने बनाया है फ्राइड राइस और मंचूरियन लेके आया था। सो अब मैं इसको खाता हूँ और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर मेरी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताएं मेरी वीडियो कैसी लग रही हो। आपकी एक लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। होता हूँ मैं।